और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल का बटन दबा लीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं बैत और आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुका एक बहुत ही कमाल सी वीडियो। अगर आपका बजट है 8 से 9 हज़ार रुपए के बीच में और आप इस बजट में एक बहुत ही अच्छा और कमाल सा फोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको एक अच्छी बैटरी लाइफ मिले, आपको एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस मिले, आपको एक बेटर डिस्प्ले मिले, देखा जाए तो आपको एक जबरदस्त प्रोसेसर मिले जिसमें आप हल्के फुल्के गेमिंग डे बाय डे में यूज कर सके, आपका फोन हैंग ना करे, लैंग ना करे और आपका फोन हीट ना करे, आप वो फोन आराम से यूज कर सके। तो अगर आप एक ऐसा फोन लेना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टॉप 7 बेस्ट फोन, जो कि मैं आप लोगों को यहां पर ऑप्शन दूंगा जिसमें से आप एक बेस्ट फोन चूज कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। 7वें नंबर पे हमारा आता है यहां पर Asus का Zenfone Max Pro M1। जी हां दोस्तों, Asus का Zenfone Max Pro M1 एक बहुत ही अच्छा फोन है, लेकिन इसमें आप लोगों को वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले या फिर एजेस आप लोगों को ऐसे नहीं मिलते हैं, या आप लोगों को बेजललेस फोन नहीं मिलता है। आप लोगों को फोन देखने में फोन अच्छा लगेगा लेकिन आप लोगों को न्यू टेक्नोलॉजी इसमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन प्रोसेसर आप लोगों को ठीक ठाक मिलता है। चलिए जानते हैं इस फोन की स्पेक्स और प्राइस। अगर इस फोन की बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 1.8 GHz का स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर मिलता है, 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो 5.99 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलती है, IPS LCD। वहीं पर कैमरे की बात करें तो आप लोगों को 13+5 MP का डुअल कैमरा देखने को मिलता है LED फ्लैश के साथ और 8 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। वहीं पर बैटरी की बात करें तो 5000mAh की एक बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग ऑप्शन आप लोगों को मिलता है। अगर इस फोन की प्राइस की बात करें तो ये फोन आप लोगों को 8,999 रुपए की, यानी कि 9,000 रुपए की कीमत में मिल जाता है। एक अच्छा फोन निकल कर आता है जहां पर 5000mAh की बैटरी और एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस, जहां पर प्रोसेसर भी ठीक ठाक आप लोगों को मिल जाता है। 6वें फोन की अगर बात करें तो ओप्पो का A5s एक बहुत ही अच्छा फोन है, इसमें आप लोगों को अच्छी स्पेक्स देखने को मिल जाती है। चलिए जानते हैं इस फोन की स्पेक्स और प्राइस। अगर बात करें इस फोन की तो आप लोगों को ऑक्टा कोर 2.3 GHz का मीडियाटेक हीलियो P35 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, 2GB रैम और 32GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो 6.2 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। कैमरे की बात करें तो 13+2 MP का डुअल कैमरा मिलता है LED फ्लैश के साथ और 8 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 4230mAh की बैटरी आप लोगों को मिलती है। अगर इस फोन की प्राइस की बात करें तो ये फोन आप लोगों को 8,990 रुपए की कीमत में देखने को मिलता है। ओप्पो की तरफ से है, अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस आप लोगों को इस फोन में मिल जाती है। 5वें नंबर पे आता है हमारा यहाँ पर Xiaomi की तरफ से Redmi 8A। जी हाँ दोस्तों, Redmi 8A एक बहुत ही अच्छा फोन है, इस फोन में आप लोगों को कमाल की स्पेक्स देखने को मिल जाती है। चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस। Redmi 8A Dual की अगर बात करें तो आप लोगों को परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 1.95 GHz का स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर मिलता है, 3GB रैम और 32GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। जहां पर डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.22 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। वहीं पर अगर कैमरे की बात करें तो 13+2 MP का डुअल कैमरा देखने को मिलता है, 8 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन और USB Type-C पोर्ट आप लोगों को मिलता है। अगर इस फोन की प्राइस की बात करें तो ये फोन आप लोगों को 8,299 रुपए की कीमत में मिल जाता है, एक अच्छा फोन निकल कर आता है। 4वें नंबर पे आता है यहाँ पर Samsung की तरफ से Galaxy M01। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा फोन है, इस फोन में आप लोगों को ठीक ठाक स्पेक्स मिल जाती है। चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस। Samsung के M01 की अगर बात करें तो आप लोगों को परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2 GHz स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर मिलता है, 3GB रैम और 32GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो आप लोगों को इसमें HD प्लस TFT मिलती है 5.71 इंचेस की। कैमरे की बात करें तो 13+2 MP का डुअल कैमरा मिलता है, 5 MP का फ्रंट में। वहीं पर बैटरी की बात करें तो 4000mAh की बैटरी आप लोगों को इस फोन में मिलती है। अगर इस फोन के प्राइस की बात करें तो आप लोगों को 8,399 रुपए की कीमत में ये फोन मिल जाता है। 3rd नंबर पे हमारा यहाँ पर आता है Xiaomi की तरफ से Redmi 9। Xiaomi का Redmi 9 एक बहुत ही अच्छा फोन है, इस फोन में आप लोगों को कमाल के स्पेक्स देखने को मिल जाती है। चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस। Redmi 9 की अगर बात करें तो आप लोगों को परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2.3 GHz का मीडियाटेक हीलियो G35 प्रोसेसर मिलता है, 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। फोन देखने में आप लोगों को अच्छा लगेगा। कैमरे की बात करें तो आप लोगों को 13+2 MP का डुअल कैमरा मिलता है, 5 MP का फ्रंट में। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.53 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। वहीं पर अगर इस फोन के प्राइस की बात करें तो आप लोगों को 8,999 रुपये, यानी कि टोटल 9,000 रुपये की कीमत में आप लोगों को फ़ोन मिल जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर अपने दूसरे फोन की, जो कि आता है Realme की तरफ से C3। जी हाँ दोस्तों, Realme C3 एक बहुत ही अच्छा फोन है, इस फोन में आप लोगों को बड़ी बैटरी, अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस और एक जबरदस्त प्रोसेसर मिलता है। चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस। Realme C3 की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2 GHz का आप लोगों को मीडियाटेक हीलियो G70 प्रोसेसर मिलता है, 3GB रैम और 32GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। वहीं पर कैमरे की बात करें तो 12+2 MP का आप लोगों को
डुअल कैमरा देखने को मिलता है एलईडी फ्लैश के साथ और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट मेगा कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 5000 एमएच की बैटरी आप लोगों को इस फोन में देखने को मिलती है। अगर इस फोन के प्राइस की बात करें तो आप लोगों को 8999 रुपए की यानी कि 9000 रुपए की कीमत में मिल जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपने पहले फ़ोन की जो कि आता है रियलमी की तरफ से C12। ये फ़ोन आप लोगों को बड़ी बैटरी देता है, अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस यानी कि ट्रिपल कैमरा देता है, एक अच्छी डिस्प्ले देता है, वहीं पर आप लोगों को एक ज़बरदस्त प्रोसेसर देता है। अगर बात करें इस फ़ोन में तो आप लोगों को कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी और बैटरी लाइफ भी बढ़िया मिल जाती है। चलिए जानते हैं इस फ़ोन के स्पेक्स और प्राइस। Realme C12 की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टाकोर 2.3 GHz का MediaTek Helio G35 प्रोसेसर मिलता है 3GB रैम और 32GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो 6.52 इंचेस की आप लोगों को HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है। वहीं पर कैमरे की अगर बात करें तो 13+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है LED फ्लैश के साथ और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 6000 एमएच की बैटरी आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिलती है। अगर इस फ़ोन की प्राइस की बात करें तो आप लोगों को 8999 रुपए की कीमत में देखने को मिल जाता है, एक अच्छा फ़ोन निकल कर आता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 7 बेस्ट फ़ोन अंडर 9000 की रेंज में। आप लोगों को इनमें से सबसे बेस्ट फ़ोन कौन सा लगा, आप कौन सा लेने को सोच रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड जय।